हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके यहाँ शेयर करने जा रही हूँ बालूशाही रेसिपी। और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है रेसिपी और टेस्टी भी होती है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप लिया है मैदा। 2 कप मैदा आप ले लें। अब सबसे पहले इसमें हम ओवन देंगे। यहाँ पे मैंने घर का घी लिया है, 2-3 चम्मच आप घी डाल दें इसमें। घी डालने के बाद आप इस तरह से अपने हाथों से पहले आप मिला ले, घी और मैदा को अच्छी तरह से आपको मिला लेना है। और यहाँ पे मैंने 2 चुटकी खाने का सोडा ले लिया है, उसे आप डाल दे। और उसे भी आप हाथों से इस तरह से मिला ले। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बोल छोटा बोल मैंने लिया है खट्टा दही। और इस दही को मैं इसमें पूरा डाल रही हूँ। और इस दही से ही हमें इसका आटा गूंदना है। और इसमें अगर आपको लगता है कि थोड़ा सख्त लग रहा है तो आप इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कंटिन्यू वीडियो शूट करके बता रही हूँ, कटिंग कुछ भी नहीं किया है मैंने, क्योंकि आपको समझाने के लिए कि आपको आटा इसका किस तरह से तैयार करना है। अगर आपका आटा परफेक्टली आप तैयार करते हो तो बालूशाही बहुत ही बढ़िया बनेगी, टेस्टी, और साथ ही उसमें जो चाशनी है अच्छे से भरेंगी अंदर तक। तो इसी तरह से आपको उसका आटा तैयार करना है। और जब आप मलिएगा तो आपको अपने हाथों से, हल्के हाथों से मलना है, टाइट हाथों से ना मले आप। जैसे हम पूड़ी के लिए आटा तैयार करते हैं या फिर हम जो रेगुलर आटा तैयार करते हैं, वैसा भी आपको नहीं मलना है। अब यहाँ पर मैंने 2-3 चम्मच पानी डाल दिया है। और पानी डालकर आपको इस तरह से आटे को तैयार करना है। बालूशाही का आटे में हमें ज़्यादा मलना नहीं होता है और ना ही ज़्यादा गूंदना होता है वो आटे को। बस इस तरह से आपको दही और मैदा को मिला लेना है। और बिना मसले हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए हमें रख देना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कितनी दरारें आपको नज़र आ रही होंगी। बस इसी तरह से आपको इस आटे को रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो किसी बर्तन से आप ढक के इसे रख दीजिए। और तब तक हम चलते हैं, इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है। जो भी बर्तन में आप पानी लेते हैं उतना ही दुगना आप शक्कर ले लें। तो 2 कप मैंने यहाँ पर शक्कर ले लिया है। दो कप शक्कर डालने के बाद हमें पहले शक्कर को मेल्ट कर देना है, पिघला लेना है। तो गैस की आंच शुरुआत में आप कम रखें। जैसे ही आपके शक्कर मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, वैसे ही आप गैस की आंच तेज कर लें। और तेज आंच में आप इसे 4 से 5 मिनट तक बॉईल कर लें। और आप देख पा रहे होंगे इस तरह से अगर बूंदे जब गिरने लग जाती है तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं और बूंदे थोड़ी थोड़ी देर में गिर रही है। और हाथ में अगर आप चेक करते हैं तो चिपचिपा सा लगने लग रहा है। यहाँ पे मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर चाशनी यहाँ बन गई है और हमें गाढ़ी चाशनी इसकी रखनी होती है। 10 मिनट के बाद आपको आटे को इस तरह से हल्के हाथों से आप मिला ले, मल ले, बहुत ज़्यादा ना मले। अब बस अब हमें बालूशाही का जो डिज़ाइन होता है वो हमें तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आटे को नहीं मला है और बिना मले ही मैं यहाँ पर बालूशाही का डिज़ाइन बना रही हूँ। और डिज़ाइन में भी आप देख रहे होंगे कितनी दरारें आपको नज़र आ रही होंगी। वो हमें इसलिए रखना है ताकि जो चाशनी है वो अच्छी तरह अंदर तक जाए और जो बालूशाही है वो हमारी खस्ता क्रिस्पी बन के तैयार हो। तो इस तरह से आपको इसकी डिज़ाइन तैयार करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा आटे को मलते हैं या फिर आप डिज़ाइन में भी बहुत ज़्यादा गोल गोल लोई तैयार कर लेते हैं, जैसे गुलाब जामुन के लिए हम चिकनी लोई तैयार करते हैं, उसमें हम दरारें नहीं रखते हैं, लेकिन बालूशाही में अपोजिट होता है, उसका पूरा उल्टा होता है। यहाँ पर हमें मलना नहीं होता है और दरारें हमें रखनी होती है ताकि जो चाशनी है वो अंदर तक उसमें आए और जो बालूशाही है वो टेस्टी बन के तैयार हो। तो दोस्तों, ये बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, भूलना नहीं है आपको। यहाँ पे जो मैंने साइज़ लिया है छोटा लिया है, लेकिन जब हम तलेंगे तो इसका साइज़ और बड़ा हो जाता है।
अब दोस्तों यहाँ पर मैंने बालूशाही की डिज़ाइन पूरी बना लिया है। अब चलते हैं, इसे हम तल लेते हैं। तो तलने के लिए हमें इसे गर्म आँच में तलना होता है। एकदम कम आँच रखते हुए हमें इससे 10 से 12 मिनट लग सकता है आपको तलने के लिए। और यहाँ पर मैंने 6-7 डाल दिया है कढ़ाई में, उससे ज़्यादा आप ना डालें क्योंकि तलते टाइम ये थोड़ी बड़ी साइज़ की हो जाती है। और आधा आधा मिनट के बाद आपको इसको पलटते रहना है ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से तले और एक जैसा कलर हो। तो यहाँ पे देखिए कुछ देर के बाद ही ये थोड़ा साइज़ बड़ा हो गया है और थोड़ी नरम भी हो जाती है, इसलिए आपको हल्के हाथों से चम्मच से पलटाना है इसे, नहीं तो ये टूट भी सकती है। इस तरह से आप पलटाएं हल्के हाथों से। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि कलर भी इसका थोड़ा बदल गया है, चेंज हो गया है। तो हमें अभी थोड़ा और डार्क करना है कलर को। आप चलाते रहिएगा, इसकी जगह आपको बदलते रहना है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो बालूशाही ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और कलर भी इसका बहुत ही मस्त हो गया है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। और चाशनी यहाँ पर हमें रखना है कुनकुनी, और जो बालूशाही है उसे गर्म रखते हुए हमें तुरंत इसे चाशनी में डाल देना है। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे डुबो लें। चाशनी में डालने के बाद आपको इसे 5-5 मिनट में पलटते रहना है। सारी बालूशाही में अच्छी तरह से चाशनी भर आए इसलिए आपको पलटते रहना है और इसे आप कुछ देर के लिए ढक के रख दें। और बीच बीच में आप टाइम निकाल कर इसे आप पलटते रहे इस तरह से। अभी 15 मिनट हो गए हैं दोस्तों, तो हमें बालूशाही को बाहर निकाल लेना है। और कुछ देर के बाद आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर की जो चाशनी है वो भी हट गई है, सूख गई है। दोस्तों अब मैं आपको इसका अंदर का हिस्सा खोल के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से रस अंदर तक चला आया है बालूशाही में, इस वजह से अंदर का हिस्सा आपको सफ़ेद नहीं नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये बालूशाही बहुत ही बढ़िया और रसीली बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों अगर आपको इसका वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।